सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग अपने फ्री फायर का न्यू अपडेटेड वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। सो इसके लिए आप लोगों को अपना फ्री फायर को गाइज डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस बार जो हमारा फ्री फायर था उसके अंदर गाइज अपडेट नहीं आया था, जिसके वजह से जो चेंजेस होने वाले थे बहुत चेंजेस नहीं भी हुए। लेकिन हमारा जो इवेंट है वो आता है और हम लोग उसको कम्प्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं न्यू वर्जन डाउनलोड करने में, सो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और गाइज आप लोगों को मैं जो स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना, बिकॉज अगर आप लोग एक भी स्टेप मिस करोगे तो आप लोगों का गलत भी हो सकता है और आप लोगों का नहीं डाउनलोड होगा। तो इसके लिए आप लोगों को अपना फ्री फायर डिलीट नहीं करना है, तो आप लोग अलग से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को गाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज जब भी मैं से फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करना है मलेशिया वीपीएन। तो गाइस मलेशिया वीपीएन डाउनलोड कैसे करना है, आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद इस तरह सर्च मारना है मलेशिया वीपीएन। गाइस स्पेलिंग आप लोग एकदम सही से देख लो और ऐप को भी एकदम सही से देख लो, बिकॉज ऐप गाइस एक रंग के बहुत ऐप आते हैं, जिसकी वजह से गाइस आप लोग गलत ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आप लोग देख लो इस तरह से ऐप है और यही है वीपीएन, मलेशिया वीपीएन यही है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करना है, प्ले स्टोर का डेटा क्लियर करना है। तो प्ले स्टोर का डेटा कैसे क्लियर करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सो आप लोगों को ऐसे ही अपना प्ले स्टोर का जो डेटा है उसको फटाक से रिमूव कर देना है। गाइज यहाँ पे देखो मैंने क्लियर डेटा कर दिया है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि वीपीएन को ओपन करके कनेक्ट करना है। उसके बाद अपने को जो प्ले स्टोर होता है उसको अदर जीमेल अकाउंट से आप लोगों को लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देख लो मैंने कैसे किया है। सो यहाँ पे देख सकते हो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को कनेक्ट करना है। सबसे पहले फटाक से कनेक्ट कर लो भाई, इसमें बहुत ही ऐड आ रहे हैं। तो इसको कनेक्ट करो फटाफट। फिर कनेक्ट करने के बाद आप लोगों का, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपली सा अपने प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आप लोग को प्ले स्टोर के अंदर आना है। प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आप लोगों को अपने मेन आईडी से नहीं, आप लोगों को किसी अदर जीमेल आईडी से आने का है। अपने मेन आईडी से बिल्कुल भी मत आना। आपने कोई नई आईडी बना लो या नहीं है तो बना लो, उससे आप लोगों को इसको लॉगिन कर लेना है फटाफट से। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च मारना है गैरेना फ्री फायर, या फ्री फायर भी आप लोग सर्च मारोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपने गैरेना फ्री फायर सर्च मारा तो ये हमारा न्यूएस्ट वर्जन वाला आ गया है। तो मेरा इंस्टॉल है पहले से, इसके लिए मेरे को प्ले बता रहा है। आप लोगों को इंस्टॉल बताएगा तो आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद इतना ही प्रोसेस है, बस डाउनलोड करने के बाद ओपन करो। लेकिन गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है, आप लोग अपने इंडिया सर्वर की आईडी बिल्कुल भी लॉगिन नहीं कर सकते। अदर सर्वर की अगर आप लोगों को खेलना है तो आप लोग इसमें डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज इंडिया में अपडेट नहीं आया था। यही कारण है कि हम लोग का फ्री फायर का जो न्यू वर्जन है वो नहीं चालू होगी, आपकी जो मेन आईडी वो नहीं चालू होने वाली है। तो आप लोग किसी भी सर्वर की आईडी का मज़ा ले सकते हो, बस इंडिया की नहीं ले पाओगे। तो यही है गाइस, थोड़ा मतलब यही प्रॉब्लम है बस, बाकी सब एकदम सही है। तो आप लोग कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोग के साथ।